शमः शमः साराय स्वानुभूत्याजकास्ते चेस्सु वावाय सर्ववावान्तरच्छ। उनतीस नंबर का छंद है और 50 नंबर का पेज है। जामे लोक लोक के स्वभाव प्रतिभा से सब जगी ज्ञान सकति बिमल जैसी आरसी दर्शन उद्योत लियो अंतराय अंत कियो गयो महामोह भयो परम महारसी सन्यासी सहज जोग सौदासी जामे प्रकृति पचासी लग रही जरी चारसी सोहे घट मंदिर में चेतन प्रगट रूप ऐसो जिन राज दागी बंदत बनारसी। हालांकि ये छंद सुबह का है, वेद विज्ञान का है, लेकिन इसमें एक दृष्टांत दिया है जिनेंद्र भगवान का, समझना ध्यान से। दृष्टांत दिया है क्योंकि वेद विज्ञान करना, तन चेतन व्यवहार एक, ये सब वेद विज्ञान की धारा चल रही है यहाँ पर, फिर भी अपन ने लिया है इसको, जरा समझना। फार्मूला पहले समझ लो, क्योंकि मैं इसे जिस प्रयोजन से लिखा गया है उस प्रयोजन से पढ़ा रहा हूं। क्या बोला है मैंने? जिस प्रयोजन से लिखा गया है। यहाँ जीव अधिकार चल रहा है और जीव अधिकार के बीचों बीच आ रही है बात। एक बहुत अच्छा छंद आया है उसके लिए, तो नीचे एक बहुत सुंदर छंद आया था। कांते स्नपयन्ति दश दिशो धामना निरुन्धन्ति, बहुत प्यारा छंद है, बहुत प्यारा छंद है, बहुत प्यारा। लेकिन मैं गाने की बहुत इच्छा होती है इसको मेरी, क्योंकि इसमें कहते हैं साक्षाचरण तो मृतम, ऐसा लगता है भगवान की दिव्य ध्वनि खिरती है मानो साक्षात अमृत बरस रहा है। साक्षाचरण तो मृतम दिव्यं दिव्यं ध्वनिना सुखम श्रवणयो। संस्कृत आया ना जिसको, उसे तो नाचे हो। भगवान की दिव्य ध्वनि कैसी है? दिव्यं ध्वनिना सुखम श्रवणयो, भगवान की दिव्य ध्वनि सुनते से ही कानों को सुख होता है। कैसा सुख होता है मानो साक्षात चरण तो अमृत, मानो साक्षात अमृत बरस रहा है। दिव्य ध्वनि नहीं बरस रही है, साक्षात अमृत बरस रहा है। ये प्रकरण बीच में आ कैसे गया? जीव की महिमा करते 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 प्रश्न किया गया था, व्यवहार नय का कथन कैसे चलता है? तुम तो भगवान आत्मा भगवान आत्मा भगवान आत्मा कह रहे, व्यवहार नय भी तो कोई चीज है। तो वहां पर एक तो इनका दृष्टांत दिया है, अमृत बरसता है, तो कैसा अमृत होता है बता सकते हो? कैसा अमृत होता है? ये उपमा अलंकार है। अभी जिनको आनंद आएगा अभी कहेंगे अमृत बरस रहा है, और जिन्हें आनंद नहीं आ रहा होगा घास मत को बैठा दो, आत ना जात, शास्त्री नहीं है, उपाध्याय नहीं है, पढ़े लिखे हैं नहीं है, बिठा दो बस। अब जिसको आनंद नहीं आया वो अमृत कैसे कहेगा? अमृत की भी चर्चा करेंगे। अमृत ज्ञान ही अमृत है, सच्ची समझ ही अमृत है, और सच्ची समझ वाला कभी मरता नहीं है, इसलिए अमृत है। कुछ कहेगा? क्या कहा?
सच्ची समझ वाला कभी मरता नहीं है। समाधि तंत्र है, समाधि तंत्र, समाधि तंत्र में बहुत बहुत गाथाएं हैं, ऐसी दोहा है, दोहा है समाधि तंत्र में, हैं श्लोक कहते हैं, श्लोक कह रहे हो, कुछ फर्क पड़े, दोहा कह रहे हो, श्लोक कह रहे हो, जो कहना कह दो, उसमें इतनी जगह। क्यों तुम शर्ट बदलते हो, तुम्हें कोई दुख होता है क्यों? शर्ट बदलने पे दुख होता है क्या? और ही मर गई, पुरानी शर्ट बदल गई, ऐसा लिखा है उसमें। जैसे शर्ट बदलने पर तुम्हें दुख नहीं होता, ऐसे ही देह बदलने पर ज्ञानियों को दुख नहीं होता, ऐसा तो सतरा दृष्टान दिया है। सच्ची समझ वाले को मरने की दुख इसलिए नहीं होता, शर्ट बदलने में दुख नहीं होता, ऐसे उन्हें दुख नहीं होता। शर्ट फटने पर दुख नहीं होता, ऐसे उन्हें देह टूटने पर, एक्सीडेंट होने पर दुख नहीं होता, नहीं होता। ऐसे बहुत 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 दृष्टांत दी, बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई हो शर्ट तो दुख नहीं होता, ऐसे शरीर जीर्ण शीर्ण भयो वृद्ध हो जाए तो दुख नहीं होता। बड़े समाज तंत्र में बहुत दृष्टांत दी वहां पे, देख लेना, इसकी भी चर्चा करेंगे, बड़ी सुंदर सुंदर छंद है, कल करेंगे इसकी, है ना। अभी तो अपन इसमें आ गए, जामे लोका लोक के आहा, ए, समझ में आए, जिस प्रयोजन से कहा है मैं वो प्रयोजन पूरा करूंगा। यहाँ अरहंत भगवान का, तीर्थंकरों का, अरहंत भगवान के दृष्टांत दे करके समझा रहे हैं, व्यवहार नए, व्यवहार क्या समझा रहे हैं, व्यवहार नए। क्यों? व्यवहार नए के बिना परमार्थ, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, व्यवहार के बिना परमार्थ समझाया नहीं जा सकता। ये प्रश्न खड़ा किया था इसमें समय सार जी में, तो उसे पूछा था व्यवहार के बिना परमार्थ कैसे नहीं समझा सकते, तब फिर सारे दृष्टांत आए, ये सारे दृष्टांत। ध्यान रखना, व्यवहार से परमार्थ समझाना है। मुझे ऐसे लग रहा, पहले तो हिलाऊं सबको हिलाऊं मतलब बिल्कुल अच्छे से सुनो। अज्ञानी शास्त्र पढ़ता है तो जो लिखा है उसी को समझने लगता है, पॉइंट नोट किया जाए, गलती गलती गलती। निश्चय पढ़ने पर निश्चय नहीं समझना है, व्यवहार पढ़ने पर व्यवहार नहीं समझना है, व्यवहार से परमार्थ समझना है। फिर से बोल रहा हूँ, समस्त नए चक्र, समस्त समस्त नए चक्र परमार्थ के पोषण के लिए है। ये पहला फार्मूला याद रखना, पहला फार्मूला, मैं फिर कह रहा हूँ, ये पहला फार्मूला। वक्ता भी प्रवचन करते करते व्यवहार में से व्यवहार का पोषण करने लगते हैं, व्यवहार समझाने पर ध्यान देने लगते हैं और परमार्थ की ओर नहीं जाते, तो वे बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। गुरुदेव श्री हमें इसीलिए तो पसंद आए, गुरुदेव श्री इसीलिए अच्छे लगे। आप एक काम करो, गुरुदेव श्री के चाहे छेड़ाला के प्रवचन सुन लो, चाहे स्टोप देश के प्रवचन सुन लो, और चाहे भक्तामय स्त्रोत के प्रवचन सुन लो, कोई से सुन लो, ऐसा कोई प्रवचन नहीं है जिसमें व्यवहार में से परमार्थ का पोषण नहीं किया हो। याद रहेगी बच्चों, क्या बोलो बेटे, व्यवहार व्यवहार के लिए नहीं है, व्यवहार परमार्थ के पोषण के लिए है। हम तीर्थंकरों का भी व्यवहार करेंगे, वो अपने परमार्थ के पोषण के लिए होगा। हमने कहा भगवान की पूजा किया करो, सब लोग ध्यान से सुनो, भगवान की पूजा किया करो, बिल्कुल ठीक, रुक जाओ, हमने पूजा का पोषण करने के लिए नहीं कहा था, हमने पूजा के काल में अपने परमात्मा के अनुभव करने का पोषण करने के लिए कहा था। कल मैं भरते पढ़ रहा था दोपहर में, आखिरी आखिरी चैप्टर है, आखिरी नहीं बीच का ही होगा, उसमें एक पाड़ना संधि है, पाड़ना पर्व, पाड़ना संधि, उसकी मैं लंबी चौड़ी रामायण नहीं सुना रहा, मुझे एक पैराग्राफ सुनाना है बस जरा सा। पाड़ना संधि के अंतिम पैराग्राफ में लिखा है, भरत चक्रवर्ती अपनी माता यशस्वती से कहते हैं, हे माता, मैं आदिनाथ का पुत्र मूर्ख नहीं हूँ ऐसा लिखा है, मैं आदिनाथ का पुत्र मूर्ख नहीं हूँ, ऐसा लिखने की क्या जरूरत पड़ी? क्योंकि माता ने उसे इशारा किया था, तू ज्यादा व्यवहार में मत पढ़ा कर, ये ज्यादा उपवास मत करा कर, और ये नई नई बहुओं को उपवास मत कराया कर, ये लिखा है उसमें पाड़ना संधि में। तो तब उन्होंने कहा,
कि आदिनाथ का जो पुत्र है वो मूर्ख नहीं है। मैं कभी भी अवैध भक्ति की उपेक्षा नहीं करता हूँ, एक बार शुभ क्रिया करूं या ना करूं। कोई को विश्वास हो सकता है ये कहाँ लिखा है? पढ़ना हो तो मैंने तो उसको कॉपी कर लिया। क्या लिखा है? कोई मैं अवैध भक्ति की उपेक्षा नहीं करता हूँ, कदापि नहीं करता हूँ, एक बार शुभ क्रिया करूं ना करूं। बिल्कुल अंतिम अंतिम पैराग्राफ है, कोई को सबूत चाहिए हो तो मेरे पास है। बिल्कुल ऐसा ही लिखा है। और क्या भाषा लिखी? आदिनाथ का पुत्र मैं मूर्ख नहीं हूं। क्यों? कि वो उपवास आदि करते थे, उपवास आदि करते थे। तो माँ ने पूछा, बेटा तू यम रूप से करता है कि नियम रूप से करता है? तो उन्होंने कहा, मैं यम रूप से नहीं कर सकता। ये यम रूप से तो मैं अवैध भक्ति कर सकता हूँ। यम समझते हैं? यम और नियम, नियम कभी कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। नियम कहते हैं हमेशा, यम कहते हैं हमेशा करने को, और नियम कहते हैं कभी करें और कभी नहीं भी करें। ये अंतर समझना सभी लोग। जो लोग नियम लेते हैं ना, नियम का यम से, यम जैसा पालन नहीं करना तुम दुखी हो जाओगे। कुछ कह रहा हूँ, आपने नियम लिया कि यम, हमें चर्चा को लंबायमान नहीं करना चाहता। पांच पापों का तो होता है यम, और खाने पीने के होते हैं नियम, व्रत उपवास के होते हैं नियम। नियम बदले जा सकते हैं, नियम छोड़े जा सकते हैं, नियम रोके जा सकते हैं, नियम सुधारे जा सकते हैं, नियम खत्म किए जा सकते हैं। ए क्या कह रहे तुम क्या चाहते हो? नियम में स्वच्छंद हो जाएं हम, नियम छोड़ दें? बिल्कुल नियम छोड़ने के लिए होते हैं, और यम कभी नहीं छोड़े जाते। यम और नियम में इतना फर्क पड़ता है। अब जब बीज उखाड़ ली बात तो फिर पता नहीं पड़ेगी, नहीं तो अहिंसा कभी नहीं छोड़ी जाएगी, अचौर्य कभी नहीं छोड़ा जाएगा, आदि आदि पांच पाप छोड़ दिए मैंने, छोड़ दिए। लेकिन नियम, नियम पे बहुत लड़ाई है, सबसे ज्यादा लड़ाई नियम पे है। त्यागी व्रतियों में भी सबसे ज्यादा लड़ाई लेके नियम को है। मैं नियम पे इसलिए वचन दे रहा हूँ, जैसे मैं एक दो दृष्टांत देता हूँ आपको। आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने आजीवन पूजा का नियम लिया हो? एक आध जन हाथ खड़े करो जिसने आजीवन पूजा का नियम लिया हो। बहुत बढ़िया, डरना नहीं हो। एक बहुत सुंदर हाथ खड़ा हुआ, पवित्र हाथ, एक हाथ पवित्र हाथ खड़ा, दो बहुत बढ़िया, तीन बहुत बढ़िया, चार, चार लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सभा में शोभा बढ़ाई है आजीवन पूजा का नियम। तुम्हारा भी है? अरे वाह, ये बाल रत्न, ये बाल रत्न, दो बाल रत्न, वेरी गुड, दो बच्चों के आजीवन के नियम, बहुत सुंदर, तारीफ करने लायक है। इन सात लोगों के लिए ताली बजा दीजिए, बहुत खुशी की बात है। अब डरना नहीं हो, कोई डरना नहीं, ये यम नहीं हो सकता, ये नियम हो सकता है। क्यों? क्योंकि दिगंबर मुनि दीक्षा लेने पर पूजा नहीं की जाएगी। आजीवन का नियम क्यों नहीं हो सकता जी? क्यों? ये नियम, पूजा करने का नियम तब तक के लिए होता है जब तक मुनि दीक्षा नहीं होगी। पानी की छानने का नियम आजीवन कौन कौन का है? अब भी हाथ खड़े कर कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, हाथ खड़े हुए, बहुत बढ़िया। पानी छानने के नियम वाले ज्यादा हैं, बहुत सारे हैं, अभी हाथ खड़े नहीं करा रहे, बहुत लग रहे हाथ। 80% सभा का हाथ खड़ा होगा पानी छानने का। लेकिन अब वो लेकिन आ गया, लेकिन आरी का दीक्षा लेने पर पानी छान नहीं सकोगे आप। मुनि दीक्षा लेने पर पानी नहीं छान सकोगे आप। अमुक अमुक प्रतिमा में पानी छानने का निषेध है, प्रतिमाओं में उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा, वहां पानी नहीं छान सकते आप। पंचम गुणस्थान में पानी नहीं छान सकते आप, प्रतिमा है। इसका क्या मतलब? नियम आजीवन के नहीं हो सकते, ये कहना था मुझे समझाने के लिए। हाँ, छना पानी तो लेंगे, छानने का छान नहीं सकते, और अपने उद्देश्य से कह के छनवा नहीं सकते, छनवा भी नहीं सकते। हमारा पानी छान दे भाई, क्या हम तो नहीं छानेंगे, तुम छान। कृतकारी अनुबोधना से त्याग है, समझ में आ गया? और मुनि दशा में तो यह है कि हमें देख के पानी छानो तो नहीं लेंगे।
तुमने हमारे लक्ष्य से पानी छान दिया तो इसकी हिंसा हमारे खाते में जाएगी, हम नहीं लेंगे। हमारे लक्ष्य से निर्वाण सागर जी महाराज जी थगुवन जी से खनिया थाना बिहार कर रहे थे, रास्ते में थोड़ा उन्हें आराम करना पड़ा, उम्र बहुत हो गई थी, आराम करना पड़ा, तो एक पत्थर उठा के वहाँ बैठने के लिए रख दिया। उठा कर गए खनिया थाना वालों को याद आ रही है बिहार करा रहे थे, तो पत्थर नहीं बैठे उस पर, बोले तुमने हमारे लक्ष्य से वहाँ से उठा के रख दिया, हम नहीं बैठेंगे उस पर। बैठे ही नहीं वो, तप तपाती हुई जमीन पर बैठ गए वो, ऐसी गर्मी थी, गर्मी के दिन थे, वो तपती हुई जमीन पर बैठ गए वो, लेकिन उस पर नहीं बैठे। छाया में से उठा के एक पत्थर पेड़ के नीचे से लाए, हम नहीं बैठे। तुम तो मुनिराज के लक्ष्य से झाड़ू लगा दोगे उस कमरे में नहीं जाएंगे, बल्कि उनके लक्ष्य से तकत रख दोगे नहीं बैठेंगे। क्या कहना है मुझे समझ में आ गया? खुद तो करते नहीं, और खुद के लक्ष्य से किसी ने कर दिया हो तो उसका उपयोग करते ही नहीं। अब बोलो भैया, यम और नियम का अंतर समझ में आया? सुना, अहिंसा महाव्रत का पालन तो हम अनंत काल कर सकते हैं। पांच पाप के त्याग रूप जो आनंद है, अतिंद्रिय आनंद है, विशुद्धि है, निर्मलता है, वो हम अनंत काल उसका आनंद कर सकते हैं, उसका पालन कर सकते हैं, लेकिन नियमों का पालन नहीं कर सकते। ऐसा कह करके तो मैंने समझाया है कि व्यवहार नए अनंत काल नहीं चल सकता है। हमने व्यवहार के पोषण चरणानुयोग में लिखा है, चरणानुयोग चरणानुयोग के लिए नहीं है, उल्टा मत पकड़ना, पूरी बात समझना, चरणानुयोग चरणानुयोग के पोषण के लिए नहीं है, चरणानुयोग का व्यवहार भी परमार्थ के पोषण के लिए है। बोलूं, अपूर्व अवसर में लिखा है, ते पण क्षण क्षण घटती जाते स्थिति मा, क्या चरणानुयोग, मन बच काया अरूप संयम के हेतु से योग प्रवर्त, योग माने मन वचन कहे, ये चरणानुयोग हो गया। संयम के हेतु, संयम माने परमार्थ, संयम माने परमार्थ, व्यवहार संयम चरणानुयोग आचरण परमार्थ के लिए है। संयम माने शुद्धोपयोग का नाम संयम है, अपनी महिमा में डूबने का नाम संयम है। डॉक्टर साहब ने उत्तम संयम के प्रकरण में बहुत खोला है, वो पढ़ लेना विस्तार से। संयम के हेतु से योग प्रवर्तना, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञाधीन, जो स्वरूप लक्ष्य और जिन आज्ञा आधीन जो, ते अब अभी इतनी बढ़िया है, स्वरूप के लक्ष्य से है और जिन आज्ञा के आधीन है, और क्या करने फिर, ते पण क्षण क्षण घटती, बढ़ती जाती नहीं, इसी में ही हमने छंद है वो जो आप पूरा कर रहे थे, बहुविधि क्रिया कलेश से शिव बदल है ना कोई, क्रियाओं को ध्यान से सुनना सभी लोग, क्रियाएं बुरी नहीं है, क्रियाओं का क्लेश बुरा है, और क्रियाएं बढ़ाओगे तो क्लेश बढ़ेगा, और क्रियाएं मिटेंगी तो मोक्ष होगा। कहा कह गए हम, कहा कह गए, कहा कह गए, सुनी कि नहीं सुनी, क्रियाएं मिटेंगी, लिखा है ते पण क्षण क्षण घटती, ये लाइन मैं समझा नहीं पाता हूँ, मैं अपने भाइयों को ही नहीं समझा पाता हूँ ये वाली लाइन, मैं बार बार कहता हूँ भैया अब मैं व्यवहारिक आलम्बन से बच के समाधि में जाऊंगा, मेरे से आप ये अपेक्षा मत करो कि मैं क्या पढ़ूं और कहाँ जाऊं और कितनी देर मंदिर में बैठूं कि पूजा करूं कि नहीं करूं कि जे क्या कहलाता हो जी तुम्हारी, बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं, मेरे से लोग बहुत अपेक्षा रखते हैं कि आप वो गुरुदेव की जो प्रवचन चलता है ना तो सुना करो, तो मैंने कब कौन सा, तो एक रटा रटा या प्रवचन है जो 2000 बार सुन चुके सब लोग, वो दक्षिण क्या वो अफ्रीका का प्रवचन था जो नैरोबी का 17-18 नंबर गया था का, वो हजारों बार चल चुका, हर जगह चल चुका, मेरे पास एक एक घंटा कीमती है, एक एक घंटा कीमती है, मैं वही का वही प्रवचन दुनिया को दिखाने के लिए मैं बैठ के सुनूं, मैं टाइम नहीं खराब कर सकता, यदि 2000 घंटे चला मान लो अलग अलग पूरे देश में कार्यक्रमों में, तो मैं 2000 घंटे जीवन के बर्बाद नहीं कर सकता हूँ, मैं समाधि में जाना चाहूँगा। समझ में आ गया, ये समझाना मुश्किल पड़ती है, क्षण क्षण घटती जाती,
भैया प्रवचन सुनने के लिए होता है या प्रवचन फॉर्मेलिटी के लिए होता है या प्रवचन तत्व निर्णय करके अवगाहन करने के लिए होता है? मैं अपने मन की बात कह रहा हूँ, मैं अपने लोगों को समझा ही नहीं पाता हूँ। सबको लगता है आग्रह, आप तो दो चार घंटा सुनते ही नहीं हो, लोग तो मेरे से कहते हैं ये बात आप कहा भी मत करो। मैं तो इसलिए कहता हूँ, सबको अपेक्षा रहती मेरे से। लोग मैंने साफ साफ घोषणा कर रखी, 60 से 80 की उम्र मेरी समाधि की है, आप मेरे से अपेक्षा मत रखो, मुझे जो आनंद आएगा मैं करूँगा। स्पष्ट कह रहा हूँ, जो आनंद आएगा का मतलब स्वच्छंदता की बात नहीं कर रहा हूँ, संकलेश बढ़ाने वाली बातें नहीं कर रहा हूँ, पापाचरण की बातें नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए तो तुम 24 घंटे मेरे साथ रहो, रहो, कोई दिक्कत नहीं, मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, कोई भय नहीं, सारी दुनिया 24 घंटे मेरी निगरानी करो, लेकिन क्रियाओं की अपेक्षा मत करो। क्यों? ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति मां। और भावना क्या बातें हैं कि जे क्रियाएं पूरी खत्म हो जाए, अंते थाऊं सोद स्वरूप में लीन जो अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। बहुत लंबी रामायण चली गई, काय के लिए कही, इसलिए कहनी पड़ती है सब बात, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि व्यवहारिक चरणान योग भी परमार्थ के पोषण के लिए होता है। अब हम प्रतिज्ञा तो दिलाएंगे पूजा करने की, और तुम ये भावना भाव कि वो दिन कब आए जब पूज्य पूजक का भेद मिट जाए। क्या हो जाए? पूज्य पूजक का भेद मिट जाए। ये अभी का पाठ नहीं है, कब का है ये? पता नहीं कौन का लिखा हुआ है, 70 से पहले का। हाँ, मैं भी कब से पढ़ रहा हूँ, आप कह रहे 70 से पहले का है वो छपा हुआ लिखा हुआ जो आप पढ़ते हो। नाथ तुम्हारी पूजा में सब स्वाहा, सब स्वाहा में लिस्ट आई है पूरी, सब स्वाहा करने में, चावल स्वाहा, जलम चंदनम, जे नहीं लिखा है माँ, शुभ क्रियाओं का लिखा है, शुभ क्रियाओं का। नहीं मूल्य इस मंद भाव का व्रत तप आदि। हमारी तो हिम्मत भैया खा कह रहे, सच्ची कह रहे, जब नए नए थे ना तो हमें जी गलती से तो नहीं छप गई। बस व्रत आदि स्वाहा, बस अभेद में तन्मय होना और सभी कुछ स्वाहा। बोलो, जैन चरणान योग में क्रियाएं बढ़ाने के लिए हैं कि मिटाने के लिए? पॉइंट नोट किया जाए मी लॉर्ड, जिनके पास क्रियाएं नहीं है मिटाएंगे का। जो अभी आचरण ही नहीं करते हो, पानी नहीं छानते हो, मंदिर नहीं जाते हो, उनके तो पास है ही का मिटावे के लाये, वे तो खुद ही मिट जाए बेचारे चार गति में। ध्यान रखना, ये तो सम्यक ज्ञान पूर्वक जिन्होंने आचरण प्रकट किया है उनको ये भावना होती है कि ये आचरण भी करना मुझको, क्योंकि बस अभेद में। फिर क्या लिखते हैं? तुम हो पूज पुजारी, मैं हूँ भेद करूंगा। हमारी बस की नहीं है, तुम पूजा ही कराते रहो। हम पूजा ही कराते हैं, कब तक? हम तो तुम्हारे बगल में बैठेंगे, हमें तो जय विधि सीखना है। यहाँ के एक कवि हुए डॉक्टर सरोज, यहीं के हैं, बहुत बढ़िया, उनकी एक नई दुनिया में कविता छपी थी बहुत साल पहले, पता नहीं 92 में 95 में कब की छपी है, एक कविता छपी थी, मैंने तो रख ली, लिख के रख ली वो कविता, बहुत प्यारी है, नई दुनिया में छपी थी। हे प्रभु, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ तो अपने प्रणाम के बल पर तुमसे दूर नहीं रहता हूँ, तुम्हारे पास आ जाता हूँ, समझे? और देखना, अपने प्रणाम के बल पर एक दिन मैं तुम्हारे निकट आकर बैठ जाऊंगा। तो अभी प्रभु, तब भी मुझे आशीर्वाद दोगे या गले लगा लोगे? ऐसा उन्होंने उनकी कविता के उसमें लिखा है ऐसा, मैं अपने प्रणाम के बल पर आपके पास आता जाता हूँ, मैंने मेरा गुणस्थान बढ़ता जाता है,
वहीं नहीं रह जाता हूँ मैं, प्रणाम करने के पहले जहाँ था वहां नहीं रह जाता हूँ। ये कविता है उनकी, बहुत बढ़िया। बहुत वयोवृद्ध हो गए होंगे अभी तो पता नहीं होंगे, बहुत उम्र हो गई होगी समय रहे। समझ में आ रही बात भैया? चलूं अब तो आगे चलूं? ऐसी बात है कहने के बाद डर लगता है, इतना सफाई करनी पड़ती है। तो अब वापस आ जाओ, मैं इस छंद का अर्थ कर रहा हूँ प्रयोजन के लिए। प्रयोजन है हम व्यवहार में से परमार्थ कैसे निकालें। पॉइंट पकड़ा, व्यवहार में से परमार्थ कैसे निकालें। पॉइंट नोट किया जाए, व्यवहार का हट करने वाले, व्यवहार को व्यवहार समझने वाले जीव व्यवहार नए के अभिप्राय का पोषण नहीं कर पाते। क्या बोल गए? धीरे धीरे बोला मैंने, व्यवहार नए का हटाग्रह करने वाले और व्यवहार नए का पक्ष लेकर उसी को पढ़कर उसी को ही पोषण करने वाले परमार्थ तक नहीं आते, तो भी व्यवहार नए का चरणानियों का पोषण नहीं, जो अभिप्राय था उसका पोषण नहीं हुआ। और ये गलती जिन्हें अभी तक नहीं समझ में आई हो, वे आठवां अधिकार पढ़ें। क्या बोला मैंने? कौन सा होमवर्क दे दिया? समय मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी का आठवां अधिकार पढ़ें। एक मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ऐसा ग्रंथ है जिसके कारण उनको 250 साल पहले आचार्य कल्प की उपाधि मिली। अभी तक और किसी विद्वान को आचार्य कल्प मैंने नहीं सुना है। इतनी 2000 सालों में इतने विद्वान हुए हैं, किसी को भी आचार्य कल्प की उपाधि नहीं मिली। और ये आचार्य कल्प हमने सोनगढ़ से नहीं दिया, जयपुर से नहीं दिया, ये पहले से मिली हुई है उपाधि। क्योंकि सारा हिंदुस्तान कहता है कि जो काम स्वतंत्रता से ग्रंथ लिखने का आचार्य करते हैं वो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक लिख करके किया है। आप कल्पना नहीं कर सकते हैं उसकी गजब, उसकी माने उसमें जो अमृत भरा पड़ा है, जिस मास्टर की है, मास्टर की। यदि कोई मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं पढ़ता तो कोई की दम नहीं है, दम जो चार अनियोग में से अर्थ निकाल के रख दे। मास्टर की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी, उसकी एक एक लाइन गुरुदेव ने पढ़ा था। तो जब दिगंबर में कन्वर्ट नहीं हुए थे उससे पहले, दिगंबर में कन्वर्ट नहीं उससे पहले मोक्ष मार्ग प्रकाशक मिला ही नहीं था, साधु अवस्था में उसे लिख करके रख लिया था अपने पास, सातवां अध्याय। और बैन श्री वगैरह को पढ़ने को दिया था प्रेरणा करके, पहले इसे पढ़ो। श्रीमद राजचंद जी ने अपने अमुक अमुक साथियों को मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ने को दिया, तो उन्होंने शिकायत की कि इसमें तो श्वेतांबरों की बुराई लिखी है। शिकायत की श्रीमद जी को कि इसमें तो पांचवें अध्याय में श्वेतांबरों का विरोध लिखा हुआ, हम श्वेतांबर हैं और आप हमको पढ़ने की प्रेरणा कर रहे हो। तो उन्होंने एक बात चिट्ठी में लिखी थी, चिट्ठी में, कि श्वेतांबरों का जो विरोध किया है अभी हम तुम्हें नहीं कह सकते वो सही है क्या है, उसे गौण करो, बाकी ये अमृत है, ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पढ़ो। माने श्रीमद जी का जीवन बदला है मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी से, गुरुदेव श्री का जीवन बदला है समय सार जी बाद में मिला है, और मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पहले मिला है। फिदा हुए हैं, फिदा, सच कहता हूं, बिल्कुल प्रतिज्ञा कर लेना भैया। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शब्द नहीं पढ़ो, हजार बार पढ़ोगे तब समझ में आएगा कि क्या उसका अमृत भरा पड़ा है। तो आ जाओ उसमें पढ़ना, आठवें अध्याय में चरणानियोग का प्रयोजन और चरणानियोग के दोष निराकरण की कल्पना, कल्पना का दोष, कल्पना का निराकरण वो पढ़ना। आप दो चीजें पढ़ना उसमें से। आइए मैं उसका प्रयोग करके बताता हूँ आपको। लिखा क्या है? जामे लोका लोक के स्वभाव प्रतिभा से सब, आ गए अपन छंद पे। जामे लोका लोक के, ये तो समझ में ही आ गया होगा, सर्वज्ञ भगवान के केवल ज्ञान में लोका लोक प्रतिभा से सब, बराबर। आगे जगी ज्ञान सकति विमल जैसी आरसी, जगी ज्ञान सकति माने केवल ज्ञान, सर्वज्ञ तो शक्ति पूरी खिल गई, केवल ज्ञान हो गया। और कैसा खिल गया ज्ञान? जैसे विमल आरसी, आरसी माने दर्पण, जैसे कोई, पॉइंट नोट किया जाए, आरसी नहीं कहा, विमल आरसी। हाँ, आरसी और विमल आरसी में अंतर है। आरसी और विमल आरसी में अंतर है,
तुकबंदी पूरी करने के लिए विमल नहीं लिख दिया उन्होंने, विमल आरसी का, और आरसी का मतलब समझाता हूँ तुम्हें। कभी तुम मेला में गए हो, मेला में, और एक 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 टेंट ऐसा होता है जिसके बाहर लिखा रहता है हंसो हंसो, और बाहर उसकी आवाज़ गूंजती रहती हंसने की, तो सब लोगों को लगता है इसमें क्या हंसने का है, तो लोग जाते हैं उसके अंदर। गए हो कभी? नहीं गए हो तो वहाँ पे कहीं हंसने का कुछ काम नहीं है, वहाँ केवल दर्पण होते हैं बहुत सारे। हम भी गए थे एक बार, ठगा गए थे, 25 पैसे लग गए थे बचपन में। हमें ये रोज रोज मेला जाए, रोज लगे हमें होता क्या है, कहा कि हंसो 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 25 पैसे में फंसो। बस वो दर्पण लगा रखे तो चले गए। देखा उसमें केवल एक विमल दर्पण होता है, बाकी सब सब खराब आरसी होती है, खराब खराब आरसी, समझ गए, खराब आरसी। भाई उत्तल लेंस और अवतल लेंस कहा कहलाती है हिंदी में, तुम्हारी अंग्रेजी में कैसी और हुई है, माने उनमें अपन एक में देखो तो इतने से दिखा, और एक में देखो तो इतने बड़े दिखा, और एक में देखो तो ऐसे मोटे दिखा, दुबलो आदमी भी थोड़ी देर खुश हो जाते। माने उसमें ऐसा होता है, इसलिए आरसी नहीं लिखा, विमल आरसी लिखा। विमल आरसी माने बिल्कुल सम, जैसा चेहरा वैसा झलके, जैसा जैसे तुम हो वैसे झलके। आहा केवल ज्ञान विमल आरसी है, और तुम्हारा ज्ञान विमल आरसी नहीं है। नहीं होने पर भी अब हमें प्रयोजन पे आना है। विमल आरसी ध्यान से सुनना, जो कहते हो लोका लोग झलके, वो विमल आरसी का कमाल है, माने केवल ज्ञान का कमाल है। और तुम्हारे ज्ञान में जो कहते हो नहीं झलकता, यहाँ तक गड़बड़ है, चार ज्ञान की, चार ज्ञान में गड़बड़ है। लेकिन एक कमाल की बात है जहाँ पे तुम सम्यक दर्शन कर सकते हो, प्रयोजन की पूर्ति कर रहा हूँ यहाँ से, चाय जैसा झलको हमारे में कछु नहीं बिगड़त, आरसी में कछु नहीं बिगड़त, चाय जैसे झलक सकत, झलक सकता है, तुम्हें लग सकता है गेहूं से ज्ञान होता है लेकिन होगा नहीं, तुम्हें लग सकता है कि जी मुझे दुख देता है लेकिन देगा नहीं, समझ में आएगी नहीं है। तुम्हें लगता है विमल आरसी का एक दृष्टांत और दे देता हूँ, मैंने तो देखी नहीं है लेकिन सुना है। एक वो 3D पिक्चर आई थी, टॉकेज में वो लगाना पड़ता है उसके लिए, 3D देखने के लिए, ऐसे चश्मा है ना, ऐसी कोई पिक्चर आई थी ऐसे, उसमें वो 3D दिखता है, आजकल समझते हैं 3D है ना, बहुत 2D की बनती होंगी पिक्चर, वो 3 की बनी, तो लोग कहते हैं, मुझे नहीं पता मैंने नहीं देखी, लोग कहते हैं थिएटर में बैठ जाओ उसे चश्मा लगा के, अब दूर का जा रहे हो, सोनगढ़ में दिखाते ना वो बिठा के, सोनगढ़ में देखा ना बैठ के, देखा तुम गए सोनगढ़ नहीं गए, वो सोनगढ़ में आनंद क्या ना अपने आनंद भाई जी ने बनाया वही, और वहाँ एक ऐसे चश्मा लगा के बिठाते हैं वहाँ, और फिर दिखाते हैं वो 3 लोग की रचना है क्या, सुमेरु पर्वत की रचना हो क्या क्या, कृत्रिम अकृत्रिम ऐसे कछु, आपने देखी नहीं देखी, देखने लायक है बढ़िया। बहुत उसे लगाओ तो आपको ऐसा लगेगा आप विमान में बैठे हो, आप उड़ रहे हो, आप सुमेरु पर्वत में ऐसे ऊपर ऊपर चढ़ते जा रहे हो, बगीचे में घूम रहे हो, पीछे ऐसे मुड़ के देखो ना तुम ऐसे, तो सही में पीछे देखा था, और इस तरफ देखो तो इधर का देखने लगता है पीछे तक का, और चश्मा पहने रहोगे भाई, ऊपर देखोगे तो सही में ऊपर चंद्रमा, सूरज चंद्रमा दिखेंगे, और जब अपन सूरज चंद्रमा से ऊपर पहुंच जाते हैं वो अंतिम, वो क्या कहलाता है सुमेरु पर्वत का अंतिम, ऊपर पांडव वन की तरफ, चूलिका की तरफ, तो नीचे देखो ऐसे, माने उसी समय आप चश्मा पहने पहने ऐसे देखो तो नीचे सूरज घूमता दिखत है, लेकिन होत का छू नहीं। मुझे समझ इतना ही कहना है, क्या गजब है। लोग कहते हैं वो रेलगाड़ी ऐसे दिखती है वो 3D पिक्चर में कि अपन बैठे हैं तो सामने से धड़धड़ाती ट्रेन मानो यहीं तक आ गई बिल्कुल, तो बैठे हुए लोग घबरा जाते हैं एकदम, भगो 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 करते हैं, घबराते हैं, लेकिन आती नहीं है। अब तो समझ में आ गया क्या कहना है। ओहो मेरे ज्ञान में और भगवान के ज्ञान में क्या फर्क है, कि वहां ज्यों का त्यों झलकता है, यहाँ ज्यों का त्यों नहीं झलकता, लेकिन जैसे वे
गेहूं से अप्रभावी हैं, वैसा ही गेहूं से अप्रभावी मैं अभी हूं। उनके पास राग नहीं है, मेरे पास राग है, लेकिन वे राग नहीं होने पर भी निर्मल ज्ञान वाले हैं और मैं राग होने पर भी निर्मल ज्ञान वाला हूं। सम्यक दर्शन हो गया। ये है वो प्रयोजन जिस प्रयोजन की पूर्ति के लिए छंद पढ़ रहे थे। उनका तो हमें दृष्टांत दिया है और हमें पूर्ति करनी है अपने प्रयोजन की। चलो अब तुम आगे, बहुत बढ़िया। दर्शन उद्योत लियो अंतराय अंत कियो, गयो महामोह भयो परम महारसी परम महारसी। जैसे अर्थ तो करना नहीं है, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर, अंतराय खत्म हो गए। बढ़िया, मोह सब चला गया, दर्शन मोह चारित मोह और परम महारसी। अब परम महारसी भी रुकना है मुझे, बाकी समझदार हो ना, अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए। परम महारसी सुनो, अपनी प्रभुता देखने पर मोह चला जाता है। अपनी प्रभुता अर्थात विकारों के काल में मैं निर्विकारी, ये मेरी प्रभुता, ऐसा अनुभव करने पर दर्शन मोह चारित मोह चला जाता है। ध्यान से सुनना, अरे मैं अपनी प्रभुता देखने में अंतराय डालता था, सो अपनी प्रभुता देखने वाला का अंतराय मिट जाता है। अब जल्दी जल्दी कह रहे हैं, अब कह रहे हैं, क्या बोला क्या बोला, एक एक शब्द के फजीते हैं अभी सबको। रोटी में बाल निकल गया है ना, सो अंतराय तो समझ में आज बहुत गर्म बात है, पाप बांधो यह आज रोटी नहीं जे पाए, और तूने अनादिकाल से अपनी प्रभुता का अनुभव नहीं किया, जे अंतराय है जे कच समझ में आई तुम्हें, ये स्वानुभव में अंतराय पड़ रहा है तुझे खबर है क्यों अंतराय? उल्टा नाराज मत होना, हो मुझे भी पता है थोड़ा सा, नाराज मत होना, मुझे जो कह रहे हैं वो समझना। अंतराय कर्म घातीय कर्म है कि अघातीय कर्म है? रोटी में अंतराय आया वो घातीय कर्म है कि अघातीय है? कहाँ का कहाँ लगाए फिर रही पंडित जी, जाने कौन सा अंतराय कर्म बांधो थो। व्यापार में लाभांतराय चल रहा है, अच्छा लाभांतराय घातीय कर्म है कि अघातीय? और जो प्रॉफिट नहीं होना मार्केट में, लाभ नहीं होना, जी घातीय है कि अघातीय? काछु शुद्ध बोध नहीं रही, प्रभु तू अपनी प्रभुता को देखता नहीं है, जी अंतराय है। सुनना ध्यान से, थोड़ा समय ले रहा हूं, पूरा तो नहीं ले पाऊंगा, मुझे आठ कर्म नहीं पढ़ाने, मुझे तो ये पढ़ाना है, इसलिए मैं यहाँ से ये घटा रहा हूँ, उसकी साक्षी में समझा रहा हूँ आपको। लाभांतराय, लाभ होने पर भी लाभ नहीं होना, ये अंतराय है। भोजन होने पर भी नहीं कर पाते, ये अंतराय है। ऐसे साक्षात प्रभुता होने पर भी तू प्रभुता का भेदन नहीं करता, ये अंतराय कर्म है। और उनको अंतराय खत्म हुआ है अर्थात अब कभी उपयोग आत्मा में से जाएगा नहीं, इसलिए लाभांतराय का अभाव हुआ है। समझ में आया कुछ? हमें तो जरा पैसा नहीं मिला, रोटी नहीं मिली, कोई ने प्रशंसा नहीं करी, हम अंतराय है, क्या करें पंडित जी, बहुत अंतराय डालो हुई है। तो सुन लो, अंतराय कर्म का बंध, सुनोगे अंतराय कर्म का बंध कैसे होता है, जरा ध्यान से सुनना सभी लोग। मैं आठ कर्म पढ़ाऊं ऐसी इच्छा होती कभी कभी, मुझे करना नहीं, पढ़ाने की भी इच्छा होती है मुझे। तुम लोग सुन ले, तुम्हें कर समझ, तुम मेहनत कर लेना इसके बाद। अंतराय कर्म का बंद होता है तो त्रिकाली गाय की उपेक्षा करता है, इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। जल्दी बोल गए, पूरा खोलूँ अब। पूजा करने के काल में तू अपने को प्रभु देखने में अंतराय डालता है, इससे अंतराय कर्म का बंद होता है। सभी लोग ध्यान से सुनना भैया, खासतौर से विद्वान तो और ही ज्यादा सुनना, गलती हो तो कान पकड़ना, कोई दिक्कत नहीं, सुनना सभी लोग, बहुत काम की बात कह रहा हूं। आपने पढ़ा है सात कर्मों का बंध निरंतर होता है ना, पढ़ा है, व्रत उपवास करो, चाहे नियम संयम करो, चाहे पूजा पाठ करो, लेकिन घातीय कर्मों का बंध तो होता ही रहता है, और तीन कर्म और आयु छोड़ करके तो सात का निरंतर बंध हो रहा है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिस समय पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, मंदिर बना रहे हैं और सब काम कर रहे हैं, उस समय अंतराय कर्म का बंध क्यों होना चाहिए?
हम तो 24 घंटे अच्छे काम में लगे हुए हैं, खोटे काम में लगे हैं ये नहीं कह रहा हूँ, खोटे काम में लगे ये नहीं कह रहा हूँ। हम तो व्रत पूजा सीए संयम मंदिर चार प्रकार के दान और जो जो तुम कह रहे तीर्थ यात्रा, हम तो अच्छे में लगे हैं, तो फिर हमको तो अंतराय कर्म में छूट मिलना चाहिए ना। कि स्वन तुझे शुभ का हटाग्रह है और शुद्ध को तू उपेक्षा कर देता है, ये शुद्ध की उपेक्षा से अंतराय कर्म बनता है। ज्ञायक होने पर भी, हाजरा हजूर विद्यमान होने पर भी तू उसकी प्रभुता स्वीकार नहीं करता, उसकी महिमा नहीं करता, उसका अहोभाव नहीं करता, सोचना तक नहीं है अंतराय कर्म का। आप सबको कुछ टच कराऊं, टच आप सबको टच कराऊं, आप में से कई व्यक्ति ऐसे होंगे प्रवचन अच्छा भी लगता है लेकिन विचार नहीं आता, यह है लाभांतर है। अच्छा भी लगता है प्रवचन और फिर सोचते हैं कि विचार चले नहीं चलता। कितने ही लोग ऐसे हैं पूरे जीवन विचार करते रह जाते हैं लेकिन निर्णय का अंतराय चल रहा है, निर्णय नहीं कर पाते। निर्णय भी कर लेते हैं तो अनुभव का अंतराय चलता रहता है, अनुभव भी कर लेता है तो भी स्थिरता का अंतराय चल रहा है। गलत कह रहा हूं सोचना? प्रभु इसकी तो खबर भी नहीं पड़ती, हम अपने को अंतराय डाल रहे हैं, अंतराय डाल रहे हैं। आपको खबर नहीं है डॉक्टर साहब की चाहे कोई प्रवचन हो और या वो रचनाएं हो, इसी में रम जाइए और जम जाइए, रम जाइए जम जाइए, वो संतराय के अभाव के लिए है। वो जो बार बार प्रेरणा कर रहे हैं रम जाइए जम जाइए, ये बात उसी की है, दर्शन मोह चार मोह मिटाने की बात है वो। पॉइंट पकड़ में आ रहा है भैया? अंतराय कर्म समझ में आया? अंतराय हम तो विचार ही नहीं करते, अंतराय कर्म बन रहा है और अंतराय का अभाव हो गया। अरे जिसने स्वरूप को जानना शुरू किया, स्वरूप की मस्ती शुरू कर दी, उनके अंतराय का पहले अपकर्षण होता, ध्यान रखना क्षय नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं मैं ज्ञायक हूँ प्रसन्न होके कहो। हूँ ज्ञायक छू ये प्रसन्न होके करो कहो। क्यों लिखा है? एक बार प्रेम से प्रीति से उल्लास से उत्साह से विश्वास से, ये सब ये बार बार बदल बदल के बोल रहा हूँ कुछ कुछ, क्यों कि हो सकता है तुझे कुछ समझ में नहीं आए तो अभी विश्वास से बोल कि मैं शुद्ध हूँ मैं ज्ञायक हूँ। आचार्य देव कहते हैं कर्णानी योग में पहले गुणस्थान में भी 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी हो जाती है, इतनी ताकत है इसमें, इस विश्वास में। विश्वास समझ में आया? 10 प्रकार के सम्यक है ना, उनमें आज्ञा सम्यक है, आज्ञा से ही हो जाता है, विश्वास है। आप सही कह रहे हो, हो गया सम्यक। 20 सम्यक होता है, हमें पंडिता ही नहीं आती, हमें थोड़ा समझ में आओ, उन्हें कही तुम एक बात को विश्वास करो त्रिकाल शुद्ध, हमें बीज पकड़ में आगा बस हमें काम, इतने में सम्यक दर्शन हो जाता है। 10 प्रकार के सम्यक पढ़ के देखना, एक बार तू निहाल हो जा। गुरुदेव गुजराती में कहते थे मुदित था, अमृतचंद जी के कलश उछलते हुए हैं, तारण स्वामी के जितने फूलना है फूलना, फूलना माने फूलना मतलब उल्लसित होना, खिल जाना, इतने फूलना है, इतने फूलना है, उल्लसित होते हुए आत्मा की बात कहते हुए रोम रोम नाच रहा हो, ऐसी ऐसी लेख नहीं है वो। सही है, बिल्कुल सही है, जो प्रसन्न चित्त से बात सुनेगा भी 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 एक बार तू प्रमोदित होकर सुन तो सही, प्रभु तू भगवान है, और इस आनंद आ गया, ये आनंद फीका नुकसान नहीं होगा, इस आनंद से तुझे पता नहीं है 70 कोड़ा कोड़ी अंत कोड़ा कोड़ी होगी और पहला अंतराय मिटेगा। विचार नहीं करने वाले के विचार चलने लगेंगे, विचार करने वाले के निर्णय होने लगेगा और निर्णय करने वाले के अनुभव होने लगेगा और पहला अंतराय खत्म होगा, सम्यक दर्शन होगा। अंतराय का पेट खोला थोड़ा सा अपन ने, आहा निश्चय ही मेरा अल्पकाल में मोक्ष होगा, ये विश्वास जाग जाएगा, जाग जाएगा। सब लिखा है ग्रंथों में लिखा है, हम विशेष तो जानते नहीं है लेकिन एक बात जानते हैं, ये विशिष्ट ज्ञानी है, दिव्य ज्ञानी है, इन्हें कोई स्वार्थ नहीं है। ये क्यों कहेंगे, क्यों कहेंगे ये बात? जरूर ये दिव्य ज्ञानी है, इनकी बात सच्ची है। समझ में आ गई बात?
इन्होंने एक पुस्तक लिखी है बहुत अच्छी, उसमें परीक्षा करने की बात करी है, जिनवाणी की परीक्षा करना के ऊपर एक बहुत अच्छा पैरा वो लिखा है, बढ़िया इन्होंने निबंध ही लिखे हुए बहुत अच्छे। क्या अंतर्द्वंद क्या किताब है? हाँ, क्या विज्ञान धर्म की कसौटी पर खड़ा उतरेगा? तो उसके खिलाफ आपने एक बढ़िया पुस्तक लिखी है, बढ़िया पढ़ने लायक है, बिल्कुल पढ़ना। सभी नए नए बच्चे जितने हैं ना, वो किताब लेके पढ़ना उसको। क्या धर्म विज्ञान की कसौटी पर खरा उतरेगा? क्या विज्ञान धर्म की कसौटी हो सकता है? हाँ, क्या हो सकता है? क्या विज्ञान धर्म की ये नए नए विद्यार्थियों युवाओं को बहुत लगता है, धर्म से सिद्ध करो, धर्म से वो विज्ञान को से सिद्ध करो, धर्म को विज्ञान से सिद्ध करो। सुनो, विज्ञान को सिद्ध होना हो तो धर्म की शरण में आए, धर्म को जरूरत नहीं पड़ेगी अज्ञानियों की शरण में जाए। सर्वज्ञ ज्ञान है वे हमें सर्टिफाई नहीं करेंगे। बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया है, एक बेटा अपनी माँ से कहे कि सिद्ध करो कि मैं अपने बाप का हूँ। अब क्या करे बताओ, मामा कहा के शर्म से गढ़ के मर जाए, क्या करेगा? कैसे सिद्ध करेगी बेटा तू इसी बाप का बेटा है? अरे तू विश्वास कर, माँ कह रही है ना, माँ कह रही है, माँ कह रही है कि ये तेरे पिता हैं, बस हैं बस। क्यों लोग में क्या करते हो, अपने माँ से पूछते हो? नहीं नहीं अम्मा, आजकल DNA टेस्ट होता है, मैं चेक कराऊंगा कि असली बाप का हूं कि नहीं। इतनी शर्म की बात है? जैन धर्म को विज्ञान की कसौटी पे नहीं करो, कसो विज्ञान को जैन धर्म की कसौटी पे कसो, कसना होए तो। बाकी इसमें अच्छा लेख है, पूरा पढ़ना, मैं विस्तार से फिर कभी बता दूंगा आपको। अभी तो इतनी बात समझो, चरणानुयोग में जो कुछ कहा गया है उससे परमार्थ का पोषण करो, नंबर वन। कर्णानुयोग में भी जो बात लिखी है वो मिलेच्छों को मिलेच्छ भाषा में समझाई है, और परमार्थ ब्राह्मणत्व ये है कि तुम परमार्थ का पोषण कर। चलूं अब तो आगे चलो, आइए। सन्यासी सहज जोगी जोग सो उदासी जामे, क्या प्यारी भाषा है। सन्यासी सन्यासी लिख रहे हैं अनंत भगवान को। अब मैं थोड़ा नीचे जल्दी बताना चाह रहा हूँ, क्यों मेरा घड़ी में टाइम हो जाएगा, उससे पहले मुझे नीचे आना है। ए, मेरे ख्याल से 45 मिनट हो ही गए हैं, 9 तक है क्या? अरे आप इस बार ज़्यादा दे रहे हो टाइम, क्या बात। अच्छा हाँ, 8:15 से है ना, अरे मैं भूल गया, मैं 8:45 की याद रख रहा था। चलो अभी 45 मिनट नहीं हुए। सन्यासी सहज जोगी, सन्यासी का मतलब समझते हो? सन्यासी, सन्यासी की तो इतनी मट्टी पली थे आजकल एक तो जैन धर्म में कोई सन्यासी कहने में से ही डरता है, सुनते भी नहीं अपन, सन्यासी का पता ही नहीं लगता अपने यहाँ। और जिन्हें अपन सन्यासी देखते हैं वे उनकी हालत जैसी है। अन्य मत में सन्यासी शब्द बहुत ज़्यादा फेमस है, हमारे यहाँ भी है। सन्यासी का अर्थ होता है असली ज्ञाता दृष्टा ज्ञाता दृष्टा को सन्यासी कहती हैं। सम्यक सन्यासी, न्यासी माने ट्रस्टी, ट्रस्ट करने वाला, विश्वास करने वाला, विश्वसनीय। तो जो ज्ञाता दृष्टा होता है वही विश्वसनीय होता है, इसका नाम सन्यासी। सन्यासी बनो सब लोग, सम्यक प्रकार से न्यासी बनो। क्या मतलब? एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानना सन्यासी, एक परमाणु मात्र को अपना नहीं मानना, नंबर एक। आगे बोलो, होते हुए के कर्ता नहीं मानना। फिर से कुछ कह गए हम? हाँ भैया, ये शिविर कौन ने लगाया? ललितपुर वालों ने। धोखे में मत रहना धोखे में मत रहना, सन्यासी तब बनोगे मैं प्रवचन नहीं कर रहा हूँ, मात्र सन्यासी। बहुत बढ़िया अर्थ है सन्यासी का। एक परमाणु, कोई न्यासी होते ना ट्रस्टी, और मंदिर की कील अंदर घर ले जाए, मंदिर को पेंट बचो घर ले गए, सीमेंट बची घर ले गए, तो फिर बातें होने लगती हैं, भैया काहे के न्यासी, वे तो खूब खूब खेच रहे। एक लड़के को पंच कल्याणक में रसोई डिपार्टमेंट सौंप दो, और 100 लीटर दूध और बाकी मलाई, समझ गए कैसे हुआ? मिठाई उसके हाथ में, हर चीज़ उसके हाथ में, और जब देखो नाश्ता करता हुआ मिले, जब देखो मलाई खींचता हुआ दिखाई दे, मलाईदार डिपार्टमेंट तो लोग बोलते भैया वो चटके लगी, खूब खींच रही। ये बातें, उसकी विश्वसनीयता ढह रही है उसकी,
है ना, यही तो होता है। अब मैं आपसे कह रहा हूं, होते हुए के कर्ता मानना सन्यासी नहीं हो आप, कहते तो हो, होता स्वयं ओ मान रहे, हम नहीं कह रहे, ये प्रवचन हम कर रहे, हम कर रहे। पंडित साहब से मंगलायतन गए थे तो उन्होंने पूछा, क्या नाम है अपने, पवन जी ने, सब एक निवेदन है कि बोलो जी आप ऐसी रचना, इतनी रचना लिख कैसे लेते, प्रश्न पूछा बिल्कुल। तो पंडित साहब ने बोले सही बताएं, क्या बता, हमने लिखी नहीं, लेकिन हमने लिखी नहीं। अब वो तो हम भी जाना था, आपने नहीं लिखी, लेकिन लिखी कैसे। तो पंडित साहब ने फिर खुलासा करा, भाई लिखाई जरूर है लेकिन लिखी नहीं है। कैसे लिखा गई, हम लिखने के लिए बैठते नहीं है, बस अचानक भाव आते हैं लिख देते। पंडित साहब का लिखने का जो टाइम पीरियड है, सारा रात का 2 बजे से 3 बजे से, जितनी कलम चली है दिन में तो मुश्किल है 5% भी लिखा हो, मुश्किल है 5% भी दिन में लिखा हो, सारा रात को अकेले में हो, अर्ध निशा का सन्नाटा। हम लोग सब सो जाते थे खींच के, लेकिन रात को 2 बजे 1 बजे पेशाब करने उठते, 2 बजे तो लाइट चल रही उनके कमरे के, पंडित जी कर कर रात को 2 बजे से जितना लिखना हुआ है सब। न्यासी, हाँ न्यासी कर करो, होता हुआ मैं करता नहीं मानता, खाते हुए मैं भोगता नहीं मानता, ज्ञाता ही अनुभव करता, ये सन्यासी है। सन्यासी 100% सन्यासी होते हैं तीर्थंकर यानी अनंत भगवान, केवली भगवान। और सन्यास की प्रारंभ की शुरुआत है चौथा गुणस्थान, चौथे गुणस्थान से ज्ञाता दृष्टा भाव आता जाता है उत्ता उत्ता सन्यासी है। पंचम गुणस्थान में सन्यास बढ़ जाता है, छठे सातवें गुणस्थान में सन्यास बढ़ता चला जाता है, और 13वें 14वें गुणस्थान में और सिद्ध दशा में 100% सन्यासी। देखो देखो देखो, सन्यासी आत्मा से उदासी नहीं है। क्या लिखा है, सन्यासी सहज आत्मा सो उदासी, ऐसे नहीं लिखी, कहा से लिखी है। सन्यासी सहज जोगी जोग सो उदासी, जोग मन से उदासी, वचन से उदासी, काया से उदासी, ऐसे उदास है। अब इस पे भी 1 घंटा बोलना पड़ेगा, थोड़ी है, बहुत बढ़िया बात है, घड़ी में हमारी टाइम हो रहा है बहुत तेजी से। अब छंद बाकी तो तुम समझ लियो, छार सी प्रकृति 85 लग रही झर छार सी, जली जलाई रस्सियां सी हैं वे सब, सोहे घट मंदिर में चेतन प्रगट रूप, ऐसे हो जिन राज ताही बंदत बनारसी। सब काम हो गया, अब कैसे वंदना करते हैं जी हम बता दे रहे, सन्यासी हो गया, बता दें। देखो जोग से उदासी का अर्थ करके अपन बात पूरी कर रहे, पूरा तो नहीं कर पाऊंगा अर्थ, ये तो पक्की बात है, लेकिन समझदार लोग अपनी आगे बुद्धि लगाएंगे इसलिए उनको कहता हूँ। देखो सुनना, मन में कोई ना कोई विकल्प गुणस्थान प्रमाण आता है, शुभ आता है अशुभ आता है, शुद्ध शुद्ध तो आने का प्रश्न ही, दो ही विकल्प ले लो, शुभ और अशुभ। पॉइंट नोट करना सभी लोग, घबराना नहीं, बिल्कुल जल्दी ध्यान से सुनना, मैं शॉर्ट में बोलूंगा। सन्यासी क्या करता है, अशुभ को भी जानता है लेकिन घबराता नहीं है, और शुभ को जानता है लेकिन अहंकार नहीं करता, मान नहीं करता, अपने को बड़ा नहीं मानता। आत्मा के विचार जानने में आते हैं ज्ञानियों को, लेकिन उससे बिल्कुल अप्रभावी रहता है, बिल्कुल बड़ा नहीं मानता। अरे आजकल तो 1 घंटा विचार चलता है, अरे अब तो 10 घंटा विचार चलता है, अरे आजकल तो 24 घंटे आदमी आत्मा का विचार चलता है, अरे आजकल तो भैया सीमंदर भगवान ही दिख रहे हैं, बिल्कुल दिन भर ना खाने में मन लगता ना पीने में, वही वही विचार, सुबह सुबह विचार, आत्मा का विचार, परमात्मा का विचार, ग्रंथ में पढ़ते तो घूमता रहता है बिल्कुल, ये सब विचार जानता तो है ज्ञाता दृष्टा भाव से, लेकिन त्रिकाली शुद्धात्मा में इससे कोई लाभ नहीं देखता, इसका नाम सन्यासी है। और चाहे जैसा भाव हो जाए गुणस्थान प्रमाण चौथे पांचवें गुणस्थान में, चौथे गुणस्थान में 96,000 रानियां सामने खड़ी हैं, रमता हुआ परिणाम आ रहा है, रमने का परिणाम आ रहा है, रमने का तो भी सन्यासी, ऐसा कछु लगा ही नहीं रहा, कुछ कछु हो रहा। हमारे गायक में तो विमल दर्पण जैसे अशुभ भी झलकते हैं और शुभ भी झलकते हैं, ना इधर घाटा दिखता अशुभ में, ना शुभ में लाभ दिखता,
क्योंकि सदाकाल परिपूर्ण परमात्मा हूँ। ऐसा वेदन करने वाले चौथे गुणस्थान में सन्यासी, पांचवे में सन्यासी। हमने आंख बंद करके फटाफट बोल दिया, जल्दी जल्दी अब पकड़ लेना आप लोग। पंडित जी खराब भाव आए तो सन्यासी, सन्यासी बस इतनी सी बात है सन्यासी। क्यों खोटे भाव पॉइंट पकड़ोगे नहीं तो क्या करूँ, बोलो अधूरा ऑपरेशन छोड़ू तो भी दिक्कत है। जल्दी से बोलता हूँ, सुन लो, नहीं समझ में आया तो मैं बाद में बताऊंगा आपको, पूछ लेना मेरे से। अरे वर्तमान मन वचन काय में जो दिखाई देता है ना उससे बंद नहीं होता। बहुत पेट दुखने वाला लेक्चर है ये लाइन, क्या बोला, वर्तमान में मन वचन काय में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो तो औदिक भाव है, औदिक भाव से बंद नहीं होता। औदिक भाव के काल में भिन्न भगवान नहीं देखने से बंद होता है। औदिक भाव के काल में तू अशुभ को देख के अपने को पतित अनुभव करता है, इससे बंद होता है अनंतानुबंधी का। और अच्छे भाव देखकर खुश होता है, इससे होता है बंद। हम अच्छे भाव हों कि बुरे भाव हों, ध्रुव तो ध्रुव है, ज्ञायक तो ज्ञायक है, ये है सन्यासी। अब मैंने मन में कहा ऐसे वचनों काया में लगा लेना। एक क्षण पहले बाहुबली से युद्ध हुआ, दूसरे क्षण में ऐसे भूल गया जैसे कछु भाव ही नहीं, ये है सन्यासी। तो सब लड़े काय को थे, हम काय को लड़े थे, उदय उदय से लड़ो तो लिखा है, औदिक भाव से लड़ा था, हम नहीं लड़े। रोटी कौन ने खाई, हमने नहीं खाई, राग ने खाई होगी, औदिक भाव ने खाई होगी, हमने नहीं खाई। समझ में आ गई अब तो बात, मन वचन काय तीनों से उदासी। साहब हमसे तो हमारी बस की नहीं है कि खोटे भाव जानते रहें। तो सुन अंतिम बात बस, तो कर्णानियो कहता है तू कभी सर्वज्ञ नहीं बन पाएगा क्योंकि तू केवल ज्ञानावरणी कर्म का बंद कर रहा है। क्यों, केवल ज्ञान पर आवरण डाल रहा है इसलिए तुझे केवल ज्ञान नहीं होगा। आचार्य देव कहते हैं जो जीव ज्ञेयों को जानने से डरता है, ज्ञाक्रांत ज्ञान होता है, घबराता है, वो अभी इतने से नहीं जान सकता अपने, तो तीन लोक तीन काल के कैसे जानेगा, इसलिए वो आवरण डालता है केवल ज्ञान पर। अरे मैं तीन लोक तीन काल के समस्त भयानक जिन्हें तुम बुरे कहते हो वे सब जानने के लिए मजबूर ज्ञाता नहीं हूं, मजबूत ज्ञाता हूं, बस अब हम मोक्ष में मिलेंगे। कोई तीन लोक की ताकत नहीं है जो केवल ज्ञान पर आवरण डाल दे। अंतराय में दम नहीं है जो केवल ज्ञान लेने से रोक दे, अनंत सुख भोगने से रोक दे, ये है दमदार बात। चलो बता दूं, आज के बाद किसी गेहूं को जानने से डरेंगे, शुभ या अशुभ गेहूं को जानने से डरेंगे, मन वचन काय से डरेंगे नहीं, क्योंकि औदय भाव है, कर्म के औदय का निमित्त निमित्तिक भाव है, इससे बंद नहीं होता। भेद विज्ञान के अभाव से बंद होता है, भेद विज्ञान तसिद्धा वाह क्या गजब, क्या मजा आ गया। जय हो, जय हो प्रभु, जय हो, ओम नमः शिवाय। और अभी हम सभी ने आदरणीय भाई साहब का विशेष व्याख्यान का लाभ लिया। ये हम सभी के अंतराय कर्म का समझ लीजिए मंदता का कारण है।